हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम फ्रिलांसर माधवी, और जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस स्क्रीन पर मैंने ज्यादा कह सकते हैं सेलेबल इन्वेंट्री है, उसका उसकी लिस्ट आप देख सकते हैं। इन्वेंट्री में आपको क्वांटिटी डालनी पड़ेगी, क्योंकि टॉप इन्वेंट्री के लिए जो आपको ऑप्शन मिल रहे हैं आप चेक कर सकते हो। शो लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, सबसे ज्यादा सेल होने वाली और सबसे कम सेल होने वाली है, ऐसा आप कह सकते हो। उसके बाद आप सेल्स के अकॉर्डिंग देखना चाहते हो या इन्वेंट्री के वॉल्यूम के अकॉर्डिंग देखना चाहते हो, वो आपको डिसाइड करना है। कितनी इन्वेंट्रीज की बात करें, मतलब कितने आइटम्स की बात करें हम, टॉप 10, टॉप 5, रिपोर्ट के नाम के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं, तो आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। और अगर कोई फिल्टर लगाने तो आप लगा सकते हो, कोई स्टैटिक ग्रुप है, इन्वेंट्री पोस्टिंग ग्रुप है, अदर्स फिल्टर्स है, डेट का फिल्टर है, और उसके बाद आपको करना है प्रीव्यू। अगर रिपोर्ट सेम टू वर्ड करनी है आप कर सकते हो। अब टॉप 10 जो इन्वेंट्री की लिस्ट है वो आ रही है, आप चेक कर सकते हो। रैंक है, नंबर है, आइटम कोड यानी कि डिस्क्रिप्शन यानी आइटम नेम, सेल्स की वैल्यू है, और इन्वेंट्री पोर्शन ऑफ सेल्स, जैसे कि वहां लिखा था लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, तो लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट आप चेक कर सकते हो, वो डिसेंडिंग वे में आ रहा है। इस तरह से चीजें आप देख सकते हो, रिपोर्ट्स चेक कर सकते हो। उसके बाद वेंडर्स भी पार्टी वाइज है, सेल्स के अकॉर्डिंग, या आप कह सकते हैं बैलेंसेस के अकॉर्डिंग आप टॉप 10 चूज कर सकते हैं। और इसके लिए हमें चेक करना होगा रिपोर्ट लेआउट। ये आपका रिपोर्ट रिक्वेस्ट पेज है। रिपोर्ट रिक्वेस्ट पेज मींस आपको ऑप्शंस मिलेंगे, आपको फिल्टर एरिया मिलेगा, और आपको एक्स्ट्रा एडवांस चीजें जो अगर चेक करनी है वो आपको मिल जाएंगी। आपको क्या करना है, आपको ऑप्शंस में देखना है कि आप किस चीज के अकॉर्डिंग इस रिपोर्ट को प्रीव्यू करना चाहते हो, बेसिस क्या होना चाहिए, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, तो वो आपको चुनना है। यहाँ पे आप अगर वेंडर टॉप 10 लिस्ट देख रहे हो, अब क्योंकि ये प्री डिफाइंड है टॉप 10 वेंडर्स के लिए, ऑन द बेसिस ऑफ परचेस आपने जितना अमाउंट, ज्यादा अमाउंट पे परचेस किया होगा, सबसे ज्यादा जिस वेंडर से, वो सबसे पहले नंबर पे आएगा, और ऐसे ही बाकी के वेंडर्स आएंगे उसके बाद, तो आपको टॉप 10 की लिस्ट दिखेगी। अगर आप बैलेंस यानी आउटस्टैंडिंग के हिसाब से देखेंगे तो भी आप देख सकते हैं, बाय डिफॉल्ट 10 आएगा क्योंकि रिपोर्ट का नाम टॉप 10 लिस्ट है। आप चाहे तो इसे कम कर सकते हैं, मान लो अगर मुझे 5 या 6 देखना है तो मैं इसे 6 कर लेती हूँ, मैं टॉप 6 देखना चाहती हूँ। अगर कोई पर्टिकुलर वेंडर है, वैसे तो मुझे लिस्ट देखनी है इसलिए मैं पर्टिकुलर वेंडर नहीं लगा रही हूँ, लेकिन अगर वेंडर पोस्टिंग ग्रुप आपके फाइनेंशियल्स में कहाँ जाके वो हिट हो रहा है, वैसे अगर कोई पोस्टिंग ग्रुप आपने लगा रखे हैं तो आप यहाँ से चूज कर सकते हो। और उसके बाद आपको क्या करना है, अगर एक पर्टिकुलर डेट फिल्टर लगाना है तो आप लगा सकते हो, तो जिस तरह के फिल्टर चाहिए फिल्टर्स लगाओ, और उसके बाद क्लिक ऑन प्रीव्यू। आप चाहे तो सेम टू एक्सेल या वर्ड इस तरह से भी आप कर सकते हो। अभी हम इसे बड़ा करेंगे और हम देखेंगे कि क्या शो कर रहा है। शो कर रहा है कंपनी का नेम, आज की डेट, और इससे रिलेटेड जो सारी चीजें हैं, रैंक 1, 2, 3, 4, 5 अकॉर्डिंग टू द परचेस अमाउंट। तो आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा परचेस, उसके बाद आपने जिससे उससे कम परचेस किया है, उसके बाद एंड द लास्ट। सो अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर, जिससे सबसे ज्यादा आपने परचेस किया है वो नंबर 1 पे है, तो आप इससे पता लगा सकते हैं कि वो ऐसा कौन सा वेंडर है जिससे आप सबसे ज्यादा परचेस कर रहे हैं ड्यूरिंग द पीरियड। और अगर आप डेट फिल्टर लगाते हैं तो आप डेट पर भी कंट्रोल कर सकते हैं। क्लोज कर दें। नेक्स्ट, हमारी रिपोर्ट का नाम था, आप सिर्फ टॉप 10 भी लिखेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। अब नेक्स्ट में कस्टमर चेक करने वाली हूँ। जब आप कस्टमर रिपोर्ट रन करने के लिए स्क्रीन पर आओगे तो कस्टमर की रिपोर्ट रन करने के लिए आपको सबसे पहले मिलेगा रिपोर्ट रिक्वेस्ट पेज। इसी पे आपको सारे क्राइटेरिया, वैलिडेशंस, फिल्टरेशंस सब डालने हैं। ऑप्शंस में आपको कंडीशंस चूज करनी है,
टॉप 10 लिस्ट ऑफ द कस्टमर किस चीज के बेसिस पे देखना चाहते हो, सेल्स के बेसिस पर या आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस के ऊपर? बाय डिफॉल्ट 10 असाइन है। अगर आप टॉप 5 देखना चाहते हो तो आप टॉप 5 कर लो। बार चार्ट देखना चाहते हो या पाई चार्ट देखना चाहते हो, मैं आपको दोनों एक एक बार दिखा दूंगी। कस्टमर का कोड या पोस्टिंग ग्रुप या करेंसी, अगर आपको कोई भी फिल्टर लगाना है तो आप लगा लो। डेट, टिल द डेट कि आज तक का ही दिखाए, या कोई पर्टिकुलर डेट है तो आप चूज कर सकते हो। और भी आपको फिल्टर्स मिल जाएंगे आपको, या तो सेंड टू करना है। अब सेंड टू में बहुत सारे ऑप्शन है, पीडीएफ में भेज सकते हो, एक्सएमएल में भेज सकते हो, वर्ड, एक्सेल, डेटा एंड लेआउट भेज सकते हो, और शेड्यूल भी कर सकते हो कि आप कब कब ये रिपोर्ट रन होनी चाहिए। प्रीव्यू नो इशू, वापस ले आएंगे। कस्टमर के देख रहे थे हम लोग, बार चैट पे था, हमने कोई एक्स्ट्रा फिल्टर्स नहीं लगाए थे, हमने सिर्फ चेंज किया था नंबर्स ऑफ कस्टमर। प्रीव्यू करते हैं, सी बड़ा कर लेंगे। टॉप 5 आ रहे हैं, रिपोर्ट का नाम इनबिल्ट है, तो अगर आप इसे वर्ड एक्सेल या पावर पॉइंट में, सॉरी वर्ड एक्सेल या अदर जो फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं उसमें अगर आप भेजते हो तो आप उस फॉर्मेट में जाके रिपोर्ट का नाम एडिट कर सकते हो। जैसे अगर आपने वर्ड में भेजा इस रिपोर्ट को तो आप वहां जाकर एडिटिंग कर सकते हो। तो इसके बाद आपको सारा पहले एनालिसिस कर लेना है, सारी चीज़ें सही आ रही हैं, उसके बाद ही एक्सपोर्ट करना। दूसरा जो है वो भी हम चेक कर सकते हैं, पाई चार्ट। पाई चार्ट चेक कर लेंगे, आपको नंबर्स कितने चाहिए, नंबर ऑफ कस्टमर सेम रखते हैं। प्रीव्यू कर लेते हैं, अब इसे मुझे बड़ा करके देखना है। पाई चार्ट, अब जो कलर्स हैं पाई चार्ट को आप समझ सकते हो कलर के बेसिस पे। जो टॉप 1 पे जो कस्टमर है जिसका सबसे ज्यादा एरिया कवर है वो है द कैनन ग्रुप PLC, नंबर है उसका 10,000। उसको कलर क्या मिला आप चेक कर सकते हो, द लाइट ब्लू। और उसके बाद आर श्रीवास्तव सबसे कम, आप ये देख सकते हो। तो इस तरह से कलर के अकॉर्डिंग आपको चेक करना होगा, ये प्री डिफाइंड रिपोर्ट है, वरना अगर कस्टमर का नाम या नंबर इस जगह शो हो रहा होता तो और इजी हो जाता आपको समझना, क्योंकि ब्लू के ही दो शेड्स हैं तो कलर वाइज थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो आप नीचे चेक कर सकते हो, नीचे क्लियरली नेम लिखा हुआ है और आप थोड़ा सा कस्टमाइज करवा सकते हो कि यहाँ पे जब आप कर्सर मूव करो तो नंबर एंड नेम भी डिस्प्ले कर दें।